चलिए जी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हमारा हमने पहली बात की थी कि फर्स्ट प्रोसेस इज, हम क्या बात है कि हम ये कहते हैं कि हम पैदा क्यों हुए हैं, खाने के लिए या हम खाने के लिए जीते हैं या हम जीने के लिए खाते हैं। तो सेकंड इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम जीने के लिए खाते हैं, ठीक है, जीवन के लिए हम खाते हैं। तो इसलिए उतना खाओ जितनी रिक्वायरमेंट हो, वो खाओ जो कम प्रोसेस्ड हो। प्रोसेसिंग तो हर चीज की है, कच्ची तो नहीं ना हम हर चीज खा सकते, तो पकाना करना हर चीज की प्रोसेसिंग है, बट जिसकी कम प्रोसेसिंग हो वो चीज खाओ। तो न्यूट्रिशन the food which provides various nutrients to our body, that is called as nutrition. Second process, humans have, हम क्या बोलते हैं, ingestive, और इसका दूसरा नाम है बेटा, पहले जो मेरा तरीका है वो यही है, first listen properly, then I will give you time to note down. पहले बिल्कुल पेन छोड़ दो, पेंसिल छोड़ दो, सिर्फ इधर ध्यान दो। इंजेस्टिव, इसको एब्जॉर्ब करने की, इन वर्ड्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, इंजेस्टिव और होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका क्या मतलब है इंजेस्टिव और होलोजोइक न्यूट्रिशन का? दैट इज वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्प्लेक्स फूड वो होता है जिसको तोड़ा जा सकता है, जिसको ब्रेक किया जा सकता है। वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड विच इज डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, ठीक है। तो तीसरी चीज मैंने बताई थी इंजेशन, इंजेशन इज द process of taking in of food, complex food obviously, that is ingestion. और फिर एक बार दोबारा से मैं बता रही हूं, digestion process of breaking down of complex food into simple food, obviously with the help of enzymes, but simple digestion is this, then absorption movement of simple food from digestive system. मैं abbreviation लिखूं तो लिखूं, आपने नहीं लिखनी है, digestive system आपने पूरा लिखना है, from digestive system into blood or distribution to cells, that is called as absorption. Then assimilation,
ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू यूजफुल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द सेल्स दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन एंड अनदर इज इजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज डेफिकेशन दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम टू एनस That is called as ejection or defecation through anus. In the form of feces. That is called as ejection or defecation. Pavanjot, आप बेटा सारा नोट कर लो और समरीत आपका जो जो मिसिंग है वो नोट कर लो बेटा. अब जो है तो हमारे पास क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स कौन से हैं एलिमेंट्री कैनाल पल्मोनरी वे एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स डिफरेंट ग्लैंड्स है हमारे पास. ठीक है एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है सबसे पहले ये हमारा मुंह है माउथ फिर जो अंदर उसके कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी पीछे कहां पे खुल रही है आप मेरे साथ बोल भी सकते हो मुझे बता भी सकते हो. पेरेंट्स में खुलती है. पेरेंट्स आगे किसमें खुल रहा है फूड पाइप That is esophagus. Esophagus आपके किसमें स्टमक में. Then small intestine. Large intestine and ultimately opening of the large intestine is anus. The glands, stomach mein gastric glands hai, small intestine mein intestinal glands hai, buccal cavity mein salivary glands hai, ye to hai hai, but aur associated glands kaun si hai? Mainly kaun si hai? Liver and pancreas. ठीक है जी जो बक्कल कैविटी है माउथ इज बाउंडेड बाय लिप्स जो बक्कल कैविटी है इसका बेटा कौन कौन से पार्ट्स है ऊपर वाला जो तालू हम कह देते हैं जिसको दैट इज कॉल्ड एज पैलेट.
है ना. सो इट इज रूफ इज पैलेट. फ्लोर पे क्या पड़ा हुआ है? फ्लोर हैज टंग एंड साइड्स हैव जॉज विद टीथ. जो पैलेट है बेटा, आगे वाला पोर्शन है ना, अगर आप कभी करके टच करके देखना, आगे वाला और थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, तो दोनों के टेक्सचर में आपको फर्क पता चलेगा. आप अपने टंग से फील कर सकते हो कि आगे वाला जो है ना थोड़ा सा रफ है, हार्ड है, और पीछे वाला स्मूथ है. ठीक है, तो रूफ इज पैलेट और इसके दो पार्ट्स है, एंटीरियर हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर, ये पूरा लिखना है आपने, सॉफ्ट पैलेट. ठीक है जी. उसके बाद फेरेंक्स. फेरेंक्स जो है, जो हमारा माउथ बकल कैविटी जिसमें खुल रही है पीछे, दैट इज कॉल्ड एज ओरोफेरेंक्स. उसके बाद जो नोज है वो किसमें खुलता है? नेजोफेरेंक्स में. ये देखिए, ये नोज की ओपनिंग है. उसके बाद ये बकल कैविटी की ओपनिंग है. इस तरह से जा रहा है. तो ये जो पोर्शन है बेटा, दिस इज, मैं सिर्फ ये नेजो नेजो फेरेंक्स है. ये जो पोर्शन है दिस इज ओरो फेरेंक्स. उसके बाद ये जो पोर्शन चला जाता है दिस इज लेरिंगो फेरेंक्स. ये आ जाता है ट्रेकिया. अगर आप थोड़ा सा और इसको, इसमें आप रिंग्स बना सकते, और ये इसके पीछे जो है दिस इज ईसोफेगस. तो देखो ये आप क्या, अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो हमारे आगे है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पीछे वाली साइड है. एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि अगर कभी आपके गले में रोटी फंस जाती है, हो जाता है कभी के नहीं, ठीक है, तो आपकी मम्मा या पापा कहाँ पे हाथ मारते हैं, जरा जल्दी से बताओ, पीठ पे हाथ मारते हैं कि यहाँ हाथ मारते हैं? हम पीठ पे. पीठ पे हाथ मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम विक्स है हम, या कोई जब हमें कफ कोल्ड होता है तो हम यहाँ पे इधर इधर तेल लगाते हैं, इधर विक्स लगाते हैं, या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, क्योंकि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे है, इसके पीछे वाली साइड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, थोड़ा सा आप व्यू कर सकते हो अपने माइंड में. ठीक, तो फेरेंक्स जो है, ये फेरेंक्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रेकिया की बात नहीं कर रहे. ट्रेकिया तो ये है, मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ. फेरेंक्स हैज थ्री पार्ट्स, नेजो फेरेंक्स, ओरो फेरेंक्स, और यहां से आप देख सकते हैं कि ओरो फेरेंक्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड. उसके बाद ओरोफेरेंक्स के बाद डिवाइड हो जाता है, यहां से एयर जाती है, यहां से फूड जाता है. ठीक है, एंड फिर है लेरिंगोफेरेंक्स, देन ईसोफेगस. ईसोफेगस इज ए फूड पाइप. उसके बाद स्टमक है, दिस इज द वाइडेस्ट पोर्शन
ऑफ अवर एलिमेंट्री के नाम, राइट। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज, ये है ईसोफेगस, ये है, ये जिसका डोम शेप्ड है, दिस इज फंडस ऑफ स्टमक, ये जो पार्ट है दिस इज कार्डियक पार्ट, छोटा सा पार्ट होता है ये वाला सारा जो है, ये कार्डियक पार्ट है, दिस इज बॉडी, और ये जो है यहां से यहां तक, दिस इज फाइलेरस, उसके बाद ये जो शुरू हो जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्टमक वाइडेस्ट पार्ट, इसके कौन कौन से पार्ट्स है, कार्डियक फंडस बॉडी एंड फाइलेरस, उसके बाद है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके कौन कौन से पार्ट है, ड्यूडिनम, जिजुनम एंड इलियम, ये तीन पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देन देयर इज लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ जी कौन कौन से पार्ट्स है बेटा इसके, थीकम, कोलोन एंड रेक्टम, एंड रेक्टम ओपन्स इनटू एनस, राइट। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लो, फिर हम डायग्राम भी बनाते हैं, जल्दी। हाँ जी संदीप, ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए, आपने लिख लिया था पहले का सारा? यस मैम, लिख लिया था। चलिए जी, नेक्स्ट हम जो है वो डायग्राम बनाते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द, यू नो, हम थोड़ा सा और रोक दे रहे हैं, ये आपका ट्रेकिया वाला पोर्शन हो गया, दिस इज ईसोफेगस, ये स्टमक है, this is duodenum, highly coiled jejunum and ileum, and then there is large intestine, cecum with vermiform appendix, this is
कुनून This portion is rectum and this is anus. Right? So this is इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लें. This. Right? So यहां पे here there is a you know the leaf shaped structure batao jaldi se kaun si gland hoti hai bataiye haan ji pavan josh kaun si gland hai beta mummy small intestine ke upar hai ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रही है लीफ शेप स्ट्रक्चर पैनक्रियास बेटा नहीं मैम पैनक्रियास तो होते हैं मैम वो एक एब्डोमिनल कैविटी भी तो होती है वो लिवर के अभी वो बताऊंगी लिवर तो बताऊंगी बट दिस इज पैनक्रियास राइट जो लीफ शेप स्ट्रक्चर है ओपन्स इनटू ड्यूडेनम राइट एंड हियर there is present yahan pe ये देखिए ये है लिवर दिस इज लिवर दिस इज गॉल ब्लैडर दिस इज हेपेटिक डक्ट दिस इज पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं जो किसमें खुलती है दैट इज इन द ड्यूडेनम इज इट राइट ठीक है समरी यस मैम ये जल्दी से बताओ ये क्या है फटाफट से इसोफेगस नहीं बेटा इसोफेगस तो नीचे आया ओरोफेरिंक्स ओरोफेरिंक्स ऊपर बेटा ओरोफेरेंस उसके बाद ये लेरिंगोफेरेंस और ये इसोफेगस यहाँ पे एक दरवाजा है मस्कुलर रिंग दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर दिस इज स्टमक ये इसका रीजन जो है पाइलोरस और यहाँ पे ये अगेन एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है मस्कुलर डोर है दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर जो खुलता और बंद होता है This is duodenum. ये सारा This is all jejunum and
इलियम, ये सारा यहां पर। जिसे जिजुलम, इलियम, सीकम, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो जा रहा है ये सारा बक्सा सा है, दिस इज ऑल कोलोन। लास्ट पार्ट है रेक्टम, और जो बाहर खुलता है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा, दिस इज ऑल लिवर, टू लोब्स है लिवर के, राइट हेपेटिक लोब जो बड़ा होता है, एंड दिस इज लेफ्ट हेपेटिक लोब, दिस इज, मैं जी बी लिख रही हूँ जगह की उससे, दिस इज गॉल ब्लैडर, ये आ जाती है हेपेटिक डक्ट, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, जब दोनों मिल गई हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, पूरा लिखना है आपने अभी, विच ओपन्स इन द ड्यूटेनम, ओके, ठीक है, जो नहीं समझ में आए वो मेरे से आपने पूछते रहना है, अदरवाइज दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नजर आ रहा है बेटा सबको अपना, क्लियर? पवन जोश, यस मैम, क्लियर है? अमृत, आपको आ रहा है? यस मैम। चलो कर लो, ड्रॉ करो इसको। अब हम पहले थोड़ा सा डायग्राम्स पे बात कर लें, देन हमने माउथ में बताया कि हमारे क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, दिस इज ए रेड कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर कवर्ड बाय ए स्किन, देयर इज नो बोन इन द टंग, राइट? It has two main parts. जो आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर ओरल पार्ट है, और जो पीछे वाला है फ्रिंजियल, या हम कहेंगे पोस्टीरियर फ्रिंजियल पार्ट। फ्रिंजियल पार्ट में क्या प्रेजेंट है बेटा? फ्रिंजियल पार्ट में बेटा टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। टॉन्सिल्स सुन के हमें लगता है लेवल खतरा है, टॉन्सिल्स है जी खराब चीज है, नहीं, टॉन्सिल्स आर गुड। टॉन्सिल्स में जब इंफेक्शन हो जाती है, वैसे टॉन्सिल्स हमें इंफेक्शन से बचाते हैं, मास ऑफ लिम्फोइड सेल्स है ये, ठीक है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, बट कभी कभी क्या होता है कि इनकी लड़ने की क्षमता, वही बात है,
कि इनकी डिफेंसिव पावर खत्म होकर इनमें खुद इंफेक्शन अगर हो जाए। जनरली ओरल जो टंग के टॉन्सल्स है इनमें इंफेक्शन नहीं होती है, जो आगे हमारे थ्रोट में जो आगे नेजल टॉन्सल्स होते हैं उनमें इंफेक्शन होके एडिनोइड्स वगैरह हो जाते हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट दीज आर फ्रिंजियल टॉन्सल्स, मास ऑफ लिम्फोइड सेल्स, इम्यून सेल टाइप। इसके बाद ये क्या प्रेजेंट है बेटा, ये पेपिला है हमारे टंग के ऊपर, प्रोट्रूबरेंसेस होती है, दीज आर कॉल्ड एज पेपिला। ये कौन से पेपिला है, दीज आर वेलेट पेपिला। देन बिलो, ध्यान से पहले सुनो फिर बनाना, कोई हमें जल्दी नहीं है, आराम से हमने काम करना है। फिर यहां पे साइड में these are called as, you know, these are foliate papilla. Then here mushroom shaped papilla hai. These are called as fungiform papilla. और बाकी सबसे छोटे और सबसे ज्यादा सारी टंग पे scattered filiform papilla. ठीक है, इनमें मैं लिखवाऊंगी बाद में। तो पेपिला क्या है, प्रोट्रूबरेंसेस या रिजेस है हमारी टंग के, ठीक है, डिफरेंट शेप्स के हैं। और कुछ पेपिला में, हर पेपिला में नहीं, कुछ पेपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। तो किस पेपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, सिर्फ दो टाइप, एक वेलेट पेपिला में, एक फंगीफॉर्म पेपिला में। इन दो पेपिला में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो फोलिएट पेपिला है ये वेस्टिजियल है, इनका कोई काम नहीं है, बस ऐसे पड़े हुए हैं। जबकि जो फिलीफॉर्म पेपिला है मोस्ट अबंडेंट है, छोटे है, बट दे डू नॉट हैव टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स किसमें है, वेलेट पेपिला एंड ये जो रेड वाले दिख रहे हैं दीज आर फंगीफॉर्म पेपिला। उसके बाद अनदर, ये फिर हम टंग की बात कर रहे हैं, हमारे पास अगर हम देखें तो टेस्ट वाले रीजन एक ही पीछे वाला पोर्शन है। आप कभी मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन हम आगे रखते हैं, जो टेबलेट है हम आगे रखते हैं जीभ पे, और बाई चांस वो पीछे टच कर जाए, वो रह जाए पीछे की तरफ, वो अंदर ना जाए, तो कितना कड़वा लगता है, राइट? सो दिस इज फॉर बिटर टेस्ट। जो सिर्फ साइड्स है, चटकारे लेते हो, कहां पे लेते हो चटकारे जरा बताओ, सिर्फ साइड्स में, कभी मुंह में, अभी सोचो कि हमारे मुंह में इमली है ऐसे करके लेते हो, तो कहां से, साइड में से,
So this is sour taste, khatta. उसके बाद साइड्स में और टिप पे ये सारा है सॉल्टी टेस्ट, और उसके बाद टिप एंड एंटीरियर हाफ पे ये जो साइड्स पे नहीं बट एंटीरियर पोर्शन में दिस इज स्वीट टेस्ट. ठीक है, दीज आर द पोर्शंस ऑफ द टंग विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट. ठीक है, बना लो ये जल्दी से. ये देखिए बेटा, दिस इज द टिपिकल ह्यूमन टूथ. ये क्या है? ये हमारी जॉ बोन है जिसके बीच में हमारा टीथ फिक्स्ड है. दिस इज, ध्यान से पहले देखना है फिर बनाना है. ये है जॉ बोन. जॉ बोन की कैविटी को क्या बोलते हैं? एल्वियोलस. एल्वियोलस पे हम बहुत जगह यूज करते हैं. दिस इज एल्वियोलस. ये जो है इन फाइबर्स के साथ वाइट फाइबर्स होते हैं, ये ज्वाइंट्स आप सोच सकते हो. ये बहुत हार्ड फाइबर्स है. ठीक है, इनको हम क्या देखते हैं, दैट इज पेरिजॉइंटल. ये हमारा टूथ है, ये दिस इज गम्स. ये अंदर क्या है? दिस इज रूट कैनाल. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रूट. This is थोड़ा सा बड़ा करके, ये जो पोर्शन है जो गम्स में है, दिस इज नेक और ये जो बाहर है दिस इज क्राउन. एंड यू नो क्राउन इज कवर्ड विथ इनेमल. ये जो हमारा टूथ बना हुआ है ये किसका बना हुआ है? दिस इज फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन, बॉडी ऑफ टूथ. ये एक केमिकल है फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन. ठीक है जी, इस रूट कैनाल में, इस रूट कैनाल को पल्प कैनाल भी बोलते हैं. ब्लड वेसल्स है, नर्व है एंड ऑल दैट. रूट कैनाल और पल्प कैनाल, यहाँ पर ही इंफेक्शन होती है. जब भी टूथ में इंफेक्शन है तो यहाँ पर हर ही इंफेक्शन होती है. ठीक है, एंड इट इज लाइंड बाय ये सेल्स है. कुछ टाइम तक ही ये फंक्शनल होते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं क्योंकि टूथ की ग्रोथ हमेशा थोड़ी होती है. ये है ओडोंटोब्लास्ट. दीज आर, ये पूरी रूट है, ये है ओडोंटोब्लास्ट विच सिक्रीट डेंटाइन विच फॉर्म्स द टूथ. ठीक है, और यहां पे बेटा क्राउन वाले पोर्शन में दीज आर एमुलोब्लास्ट.
which secrete enamel, right? So this is the structure of the tooth. और ये जो portion है, ये वाला portion, इसको हम कह देते हैं cementum. ठीक है जी. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन टूथ. बना लेंगे पार्ट. तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद माउथ. माउथ जो है इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड. हमारा ये वाला पोर्शन जो है एंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर है, और इसको हम वेंट्रल भी कहते हैं. This is ventral and this portion, back portion is dorsal, right? So present on the anterior side, bound by two lips, upper labrum, lower लेबियम. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है बकल कैविटी. इसमें फर्स्ट है पैलेट. पैलेट आगे वाला पोर्शन हार्ड क्यों है? ताकि वो खाने को होल्ड कर सके ड्यूरिंग च्यूइंग. पीछे वाला सॉफ्ट क्यों है? कि जब हम उसको इंजेस्ट कर रहे हो, नीचे की तरफ कर रहे हो, तो वो सॉफ्टली अंदर की तरफ चला जाए. दैट्स वाय. सो पैलेट हार्ड. पैलेट क्या फंक्शन है? होल्ड्स द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग. अगर ये भी सॉफ्ट होगा तो हम खाने को मुंह में रख ही नहीं पाएंगे, वो तो फिसल फिसल के अंदर ही जाता जाएगा. देन सॉफ्ट पैलेट. हेलो मैम, मेरा मैम नेट चला गया था. मैम फिर से रिपीट कर दो. हाँ मैं दोबारा बताती हूँ बेटा. सो हार्ड पैलेट, एंटीरियर वाला पैलेट जो है, इट हेल्प्स इन होल्डिंग ऑफ फूड. जब हम चबा रहे हैं तो खाने को मुंह में रखता है, ठीक है? और नहीं तो क्या होगा, अगर सॉफ्ट ही होता तो हम उसको च्यू नहीं कर सकते थे. थोड़ा च्यू करते साथ ही अंदर चला जाता, स्लिप हो जाता फूड, ठीक है? तो इसलिए हार्ड पैलेट जो है, ये हार्ड इसलिए होता है ताकि ये खाने को पकड़ सके. पोस्टीरियर इज सॉफ्ट एज इट हेल्प्स इन, यू कैन से, easy ingestion of chewed food. Then another is chunk. Chunk kya hai? Dekho dhyan se. Soft muscular मोबाइल ऑर्गन है. अटैच्ड एट द पोस्टीरियर एंड. लिखना बाद में, पहले सुनो. सुनना है सबसे पहले. पोस्टीरियर एंड ऑफ बकल कैविटी by a fold of connective tissue.
कॉल्ड एज प्रीनुलम. क्या बोलते हैं उसको? प्रीनुलम. रेड पेन से लिख लेना या रेड पेन से अंडरलाइन कर लेना. सो इट इज अटैच्ड एट द बैक बाय द, या इट इज अटैच्ड एट द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बकल कैविटी बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज प्रीनुलम. इज फॉर्म्ड ऑफ, किसका बना है? That is connective tissue तो होगा ही, blood vessels वगैरह है, connective tissue. उसके बाद voluntary है, so it is striated muscle fiber covered with skin and mucous membrane. तभी स्टिकी सॉफ्ट मॉइस्ट रहती है. म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है. इट इज अटैच्ड विद इट्स पोस्टीरियर एंड, पीछे से अटैच्ड है, एंड थ्री पैकेट्स एंटीरियर एंड. इसे यहां पे नेक्स्ट पॉइंट इधर लिख रही हूं, इसे मस्कुलर एंड सेंसरी स्ट्रक्चर एज इट हैज टेस्ट बड्स. विच आर कीमोरिसेप्टर्स, जो केमिकल्स को रिसीव करते हैं. फंक्शन क्या है टंग का? एक तो टेस्टिंग तो है ही है, हेल्प्स इन स्पीच. टंग ना हो तो हम बोल नहीं पाएंगे. अनदर इज क्लीनिंग ऑफ टीथ ऑल्सो. ये ह्यूमन टंग का, ठीक है. ये पहले आप ये काम करो, ये लिख लो, और फिर मैं कुछ आपको बाकी एनिमल्स के टंग के बारे में भी बताऊंगी. पॉइंट लिख लो. टंग हैज ए वी शेप फरो कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनलिस. ये मैंने आपको बताया भी था. इट हैज ए वी शेप्ड फरो called as sulcus terminalis, which divides tongue. लिखो साथ साथ, which divides, ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, which divides tongue into posterior pharyngeal part and anterior oral part. Anterior oral part. Next point here. The upper surface of tongue. Upper surface of tongue has small projections. Small projections called as papilla. Called as papilla.
नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. वैलेट, फोलिएट, फिलिपॉर्म एंड फंगिपॉर्म. वैलेट लार्जेस्ट, 6 to 8 in number, has taste buds. जो foliate है, these are leaf-like, vestigial. Vestigial means no role. इसलिए नो टेस्ट बट, कुछ भी नहीं है इनका रोल, ऐसे ही पड़ेंगे. फिलिपर, स्मॉलेस्ट, मोस्ट अबंडेंट, नो टेस्ट बट. ये टंग का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं. ये हम इनको कहीं भी टेस्ट बर्ड्स नहीं है तो ये भी तो वेस्टिजियल है, नहीं, दे फॉर्म द स्ट्रक्चर. ये क्लीनिंग में है ना, इस तरह से हेल्प करते हैं. इनका तो और भी कोई रोल नहीं है, ठीक है. तो इसलिए ये वेस्टिजियल नहीं है, बट इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं है. फंगीफर्म, मशरूम शेप, has taste buds. Has taste buds. ठीक है जी. अब मैं थोड़ा सा हम बात करते हैं that टंग ऑफ फ्रॉग. जो फ्रॉग में टंग है बेटा, आपने कभी कार्टून्स ही देखे होंगे, ठीक है. तो वो क्या है, पीछे की टंग जो है वो आगे को निकालता है, क्योंकि उसकी टंग जो है आगे से अटैच है, पीछे से फ्री, राइट. तो एंटीरियर साइड अटैच्ड, posterior means पीछे, free and protrusible. Protrusible का मतलब है can fold and come out and sticky also. अभी तो insects इसके साथ चिपक जाते हैं, and sticky also. This is tongue of frog. Another is, ये रब कर दूं बेटा मैं, पैपिला रब कर दूं, पवन समरीत, यस मैम, मेरे मैम नेट बार बार मैम जा रहा है, मैम कभी आवाज बहुत लेट जा रही है मैम आपको. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर आपको? ये सर बीच बीच में मतलब थोड़ी लेट आती है. अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा, आप मुझे पूछ लो, वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी आप लोगों को. ओके, कुछ प्रॉब्लम हो बट कोशिश किया करो कि अपने फोन का एक फोन जो है उसका नेट बचा के रखा करो क्लासेस के लिए, राइट. नहीं मैम, नेट तो मैम फुल है मैम, बट वेदर के थोड़ा सा हो रहा है के कारण. चलो बस हम थोड़ा सा हमने करना, उसके बाद आ जाता है बेटा. एंड आई थिंक सेम इज विद समरीत आल्सो, आई थिंक ऑल्दो शी जॉइंड बट नेट की प्रॉब्लम आ रही होगी.
टंग ऑफ स्नेक्स लिजर्ड्स इनका भी यही हाल है दैट एंटीरियर साइड अटैच्ड posterior side free and protrusible और याद रखना कि जो tip of tongue है has olfactory का क्या मतलब होता है बेटा मैम इंडिकेटर्स मैम विच हैव चेंज इन स्मेल एंड चेंज इन कलर जो स्मेल को रिसीव करते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन दैट इज क्या नाम है इसका जैकॉब्सन्स ऑर्गन मैम मिथाइल ऑरेंज भी हो सकता है नहीं बेटा मिथाइल ऑरेंज तो एक डाई होती है मिथाइल ऑरेंज तो पीएच चेक करने के लिए एक कलर है डाई है ठीक है तो ऑल्फैक्टरी वैनिला वेसेंस क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ था ना 10th की क्या लिखा था मुझे नहीं पता बट ऑल्फैक्टरी का क्या मतलब है ऑल्फैक्टरी मींस जो स्मेल कर सके ठीक है जैसे हमारा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या है नोज है ठीक है तो इनके इनमें स्नेक्स एंड लिजर्ड्स में ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है टंग पे प्रेजेंट होता है उनके टिप पे आपने लिजर्ड्स को देखा होगा कि वो बार बार टंग बाहर निकालती है ठीक है वो क्यों निकालती है ताकि वो स्मेल ले सके किसकी अपने प्रे की जिसको खाना है उन्होंने ठीक है क्योंकि उनके जीभ के ऊपर उनका ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है दैट इज जैकॉब्सन्स ऑर्गन ठीक है बेटा तो आज हम यहां तक करेंगे आप ये लिख लो राइट नेक्स्ट टाइम हम आगे शुरू करेंगे